हेलो किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल असनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो हमारी भिंडी की फसल में सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय पर, कि जो है समस्या आ रही है कि थ्रिप्स की, रस चूसक कीटों की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी। जैसे कि किसान भाई, रस चूसक में बहुत सारे कीट हमारे पाए जाते हैं भारत में, जैसे कि सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, थ्रिप्स एंड लीफ माइट लीफ्स, ये सारी समस्याएं आती हैं। और सबसे बड़ी समस्या थी इल्ली की। तो ये सारी समस्या इस प्रकार से हमारी जो भिंडी की फसल होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे रस चूसक कीटों की जो अटैक है, हम उसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी फसल से अधिक पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। क्या इसका उपाय है, अगर आपकी भिंडी की फसल में रस चूसक का अटैक हो गया तो हम इसे किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर इल्ली का अटैक हो गया तो इसे हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। किसान भाई, मैं आपको ऐसे टेक्निकल बताने वाला हूँ, अगर आप इन टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी भिंडी की फसल से रस चूसक कीटों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो और इल्ली को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य आने वाले काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो किसान भाई, आइएगा हम बात करते हैं कि रस चूसक कीट क्या होते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रस चूसक जो कीट होते हैं हमारी भिंडी की फसल को, उसका जो रस होता है उसको चूस के हमारी भिंडी की फसल को सुखा देते हैं, मुरझा जाती है, जिससे हमारी भिंडी की फसल में पैदावार गिर जाती है और घाटा देखने को मिलता है। तो ये अगर एक बार अटैक कर देता है हमारी किसी भी फसल पर रस चूसक कीट, तो हमारी फसल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। अगर हम इसका सही समय पर उपाय नहीं करते हैं तो हमारी फसल को एकदम नष्ट कर देता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान भी दूसरा एक और होता है सबसे बड़ी समस्या इल्ली की। इल्ली भी हमारे भारत में कई प्रकार की इल्ली पाई जाती है। तो अगर इल्ली भी हमारी फसल पर, छोटी छोटी इल्ली होती है जो कीट होता है वो अगर हमारी फसल पर अटैक कर देता है तो वो भी हमारी फसल को नष्ट कर देता है। तो किसान भी इसको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकें। तो किसान भी मैं आपको पहले दो टेक्निकल बताने वाला हूँ कि अगर आप इन टेक्निकल का प्रयोग करेंगे, जिस मात्रा में आपको बताने वाला हूँ अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप अपनी भिंडी की फसल से रस चूसक कीटों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और आपकी भिंडी एकदम हरी भरी दिखाई देगी और आप अधिक पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसके तरीके सही तरीके से आपको उसका प्रयोग करना है। काफ़ी सारे मार्केट में टेक्निकल आ रहे हैं लेकिन उनका सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक ऊल अलग आता है किसान भाई, ये आता है यूपीएल का ऊल अलग आता है। आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी अगर मात्रा की बात करूँ तो आपको 50 ग्राम लेना है एक एकड़ में और आपको स्प्रे कर देना है। दूसरा एक आता है किसान भाई, सिजेंटा कंपनी का आता है एक तारा। आप इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, आपकी जो समस्या है आ रही थी रस चूसक कीटों की वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। किसान भाई, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आप इसकी जो स्प्रे है आप बदल बदल के स्प्रे करें तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने इस बार यूपीएल का ऊलाला का स्प्रे कराया तो अगली बार आपको सिजेंटा कंपनी का एक तारा का स्प्रे करना है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी जो रस चूसक कीटों की समस्या आ रही थी वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इल्ली की भी बहुत बड़ी समस्या होती है हमारी भिंडी की फसल में। इल्ली हमारी फसल को बर्बाद कर देती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर ये समस्या आपके साथ होगी तो किसान भाई, आपको FMC का आता है एक FMC का बैन भी आता है, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, इल्ली की जो समस्या थी किसान भाई वो आपकी इल्ली की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन टेक्निकल का प्रयोग करके आप अपनी भिंडी की फसल से रस चूसक कीटों का और इल्ली का जड़ से खात्मा कर सकते हैं। किसान भाई, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप हर 15 दिन के बाद स्प्रे करें। काफ़ी हमारे किसान भाई 8 दिन में स्प्रे करते हैं। तो किसान भाई, आपका इससे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, यूपीएल का वो लाला हर 15 दिन के बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और जो आपको रस चूसक की समस्या आई थी वो समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करते हैं किसान भाई, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से अधिक पैदावार ले सके। किसान भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इल्ली की रोकथाम के लिए और रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को फायदा हो सके। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।